ऐसे लगते हैं सीट में। पंजाबी हैं अब हम की करिए, खान के शौकीन है तो खाना तो पैना ही है ना, तो इसलिए देखो बाकी वधिया सब कुछ। कितना बढ़िया क्या मेरा बैकग्राउंड, कितना व्यू अच्छा आ रहा है, देखो कितना व्यू अच्छा है, देखो कितना बढ़िया, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, कैंट होंगे। आज हम बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन में हैं। आज आप हम इतनी अच्छी लोकेशन में घर जैसा स्वाद खाना बनाएंगे, आओ आओ हमारे साथ। चल पड़ा फाइनली, ये चल पड़ा। अब हमने इसको करते हैं बंद, अब हम बनाते हैं न्यूट्री राइस। चलो राइस ये रे बंद कर दिया। तीन बार धो लिया, अभी इसको तीसरी बार कर रहे हैं और हमको जगह भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। कहीं और पानी हम गिरा रहे हैं तो हम पेड़ को ही पानी दे रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। चावलों का पानी अच्छा होता है, तो हम एक बार फिर से इसको धो लेंगे, चार जितनी बार धो उतना बढ़िया रहता है। तो इसको हम पानी में डिप करके रख लेते हैं और अब हम साथ में न्यूट्री राइस बना रहे हैं, तो उसको हम न्यूट्री को भी हम भगो लेते हैं। तो हमने इसको चावलों के लिए को इसको कर दिया, अब हम न्यूट्री को करने लगे हैं। अब हम न्यूट्री डाल रहे हैं, न्यूट्री चावल बनाएंगे हम। अब हम इसमें डालते हैं पानी, और अब हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। अब हम इसको न्यूट्री हमने भगो दी है, अब हमने न्यूट्री भगोने के बाद इसको गैस पे चढ़ने लगे हैं, इसको जलाते हैं। ये गैस हमारी चलती है, तब तक उबलेगी। ये देखो इसके अंदर डालते थोड़ा सा नमक, इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। ये देखो ये लिखा हुआ कहाँ गया, ये रहा सॉल्ट। अब हम इसमें डाल रहे हैं सॉल्ट, ये देखो इसके अंदर थोड़ा सा ही डालेंगे कि ये मिक्स हो जाए। और हम इसको चम्मच से एक बार यहाँ तो इसको ऐसे करके हिला देंगे, ये देखो ऐसे हिला दिया कि ये मिक्स हो जाए। जो भी इसके अंदर जो भी होगा, जैसे स्टार्च वगैरह होता है इसमें भी सोयाबीन का, तो ये नरम हो जाएगी, चावल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम ढक देते हैं कि ऊपर तो कुछ गिर ना जाए, तो इसको ढकने का भी हमारे पास तरीका है। ये हम इसको ऐसे उल्टा करके रख देंगे, ठीक है ना, हमारा दोनों काम हो जाएगा। और अब हम ये कर दिए तो हम साथ में प्याज वगैरह काट लेते हैं, ठीक है। चलो आप देखो इसको हम तब तक अंदर रख देते हैं। अब हमने टमाटर ले लिए हैं, टमाटर को वॉश करना है, वॉश करना है हमको, प्रॉपर वॉश करना है। कैसे करना है तो उसके लिए देखो, इसके लिए मैं ये लेके आया था मार्केट से, और इसको इसका कवर ये रहा, ठीक है। इसको हमने इसको ऐसे करके कवर कर दिया, ठीक है। अभी इसके अंदर पानी होल्ड हो जाएगा,
ये आप देख सकते हो, पर हमने ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमें जोड़ता है। ये देखो हमने अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर डिप कर दिया। और अब हम आपको नाइफ भी दिखाते हैं। नाइफ से ये नाइफ लिया है, अब नाइफ को भी हम पानी यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर इनफ है। ये देखो आप चेक कर सकते हैं, इसको हम ऐसे करके क्लीन कर देंगे। और हमारे पास कोई चैलेंजिंग भी नहीं है किसी तरह का कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमने ये धो लिया, अब हमने इसको ऐसे ईजी मूव करके पानी कर देना है। और हमारे पास कटर आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको पानी को साइड करा। साइड करने के बाद अब हमारे पास चैलेंजिंग टास्क क्या है कि हमारे पास कटर बोर्ड नहीं है, तो उसके तरीका सेफ तरीका क्या है कटर बोर्ड के लिए, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा कटर बोर्ड भी है एक तरह का, इसको बंद करा, ये कटर बोर्ड बन गया। ये हमने टमाटर काटा बारीक बारीक, बारीक बारीक हमने टमाटर काट दिए चावलों में डालने के लिए। और हम अभी प्याज भी काट लेंगे ऐसे ही, इसको काट के प्लेट में डाल लेंगे हम, कि कुछ तरह का हमें भी दिक्कत परेशानी ना हो और नीट एंड क्लीन। और एक टमाटर हमने डाल दिया है, एक फोर हम काट लेते हैं। प्लेट जितना टमाटर होगा उतना अच्छा लगेगा, फिर हम स्पाइसी बनाएंगे। रेड चिली कम यूज़ करेंगे, ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। मेरी कटिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, आपको सही लग रहा है नहीं। ये देखो गिलहरी को देखो बार बार, ये भी आ रही है खाना खाने के लिए। ये हमने कर दिया, अब हमने प्याज काट लिया। देखो अब इसको हम फिर से धो रहे हैं, उन्हें धोना बहुत ज़रूरी होता है। और अब ये देखो उन्हें धोने के बाद हम इसको बारीक बारीक प्याज काट लेंगे। और ये काटने के बाद ये काटना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम इसको साइड पर रख देते हैं, डस्टबिन में फेंक देंगे। और हम इसको लंबा लंबा बारीक बारीक प्याज काटेंगे, ठीक है। बाकी मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, बाकी अब मेरी कुकिंग पे किसी तरह का वो मत करना, जितना मेरे को आता है उतना मैं कर रहा हूँ। इतने बारीक बारीक प्याज काट लो। अब हमने इसको करा था, अब हमने इसको गैस बंद कर दी है, आप देख सकते हो उसी तरीके से फूल गए। अब हम इसका पानी फेंक देंगे, ये देखो। अब हम इसको पानी भी पेड़ के पास आराम से ईजिली इसको फेंक देते हैं। सब कुछ देख लिया आपने, अब हम इसको गैस ऑन करते हैं। गैस हमारी फ्लेम ऑन हो गई है, अब उसके हम ये रखते हैं थोड़ा सा गर्म हो जाए। और ये तेल है सरसों का तेल, ये इसमें बेटर रहता है, ये लीक नहीं होता। पहले एक बार इसको साफ कर लेते हैं। पानी ना रहे, ये हमने इसको साफ कर दिया। साफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल, तेल डालने के बाद इसको मिक्सर कर देंगे। थोड़ा तेल ज़्यादा डालना है इसके लिए, क्योंकि ये न्यूट्रली फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर हम टमाटर और प्याज भी डालेंगे कि वो भी मिक्स हो जाए, सो दैट हमारे चावल जो हम डालेंगे, अब चावल हम दूसरे वाले में बनाएंगे कि वो एकदम से मिक्सअप हो जाए। और अब बनाएंगे हम ऑर्गेनो वगैरह डाल के, सब कुछ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डालते हैं क्या क्या नहीं डालते हैं। तब तक इसको देखो, ये देखो ये गर्म हो रही है। देखो जब तक गर्म होके इसका पूरी गर्म हो जाए ना, इसकी तस्वीर जो होती है एकदम स्मेल नहीं आएगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी, स्मेल उड़ जाती है। तो उसको तेज़ गर्म करना सरसों के तेल को, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। वैसे देसी घी भी यूज़ कर सकते थे, मैं भी कर सकता था देसी घी की यूज़, पर गाड़ी में थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ये देखो ऐसे करके ये सारे एक तरफ से करके आप डाल दो, सीटें आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, डर के आगे जीत है।
देखो कई लड़कियां देखो मम्मी खाई मम्मी, पापा की परियां होती हैं असल में, पर अभी नहीं हूँ, पर मैंने डाल दिया। देखो ये देखो डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जब हम चावलों में भी डालना है कि फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको डाल के अब हमें इस तरह मिक्स कर देना है। देखो इसमें कलर आना शुरू हो गया, पर इसको अभी हम और टाइम लगाएंगे, ये भी फ्राई हो गया अच्छे तरीके से, बढ़िया। ये देखो ये रोस्ट होना शुरू हो रहा है, देखो देख लो कलर आना शुरू हो गया, देखो ये ब्राउन ब्राउन होने शुरू हो गया। आपने सब कुछ देख ही लिया कैसे हमने बनाया, कैसे नहीं दिखाया, मैं सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता था क्या क्या डाला क्या नहीं डाला। देखो सबसे बड़ी बात कैंपिंग में एक चीज़ समझ आती है, खाना बनाना है अगर बाहर तो क्या क्या जरूरत पड़ती है। देखो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो देखो मैंने क्या जुगाड़ बना रखा है, ये मेरे गैस का ही है चूल्हे का, ठीक है, ये स्टोव का है, इसको मैंने कवर कर रखा है कि हवा ना आए, क्योंकि खुला एरिया है, आप चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ, एक महल में हूँ, महल में मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं वहाँ पर रुका हुआ हूँ। और ये देखो ये तब तक हमने इसको रख दिया है, कुकर हमने बंद कर दिया है, अब सीटी लगने की इंतजार है। और अब मैं देखने जा रहा हूँ मार्केट में, अगर दही मिल जाए तो बल्ले बल्ले आए, फिर हम खाएंगे खाना खाएंगे, फिर मस्ती करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है, तो जुड़े रहो हमारे साथ। आज हम इतने बड़े व्यू में और इतनी अच्छी लोकेशन में हम कैंपिंग कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊंगा अपने खाने का कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा कैसा बनाया। और ये देखो यहाँ पर पार्किंग है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर ऐसी, ये देखो। अब हम ये चेक कर रहे हैं एक बार कि ये सीटी चल भी रही है कि नहीं, ओहो वाओ वर्किंग है। और ये यार इसको मत सोचना कि ये मैंने क्यों लगा रखा है क्यों नहीं लगा रखा, मैंने आपको बताया पीछे से हवा बहुत तेज़ चल रही है तो इसलिए मैंने कवर करने के लिए, नेक्स्ट टाइम मैं इसको ना एक केज आता है वो साइड से इसको कवर कर देता है कि विंड ब्लॉकर कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है, वो ले लेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरे को पता नहीं है क्या क्या लेना था, जैसे मैंने जीरा लेना भूल गया, ठीक है ना, तो भाई को इतना जज मत करना, तुम्हारे जैसा ये भाई सब लोग देखने में लगे ना। ये देखो कैसा भाई है,
इंप्रेशन है लोगों का कि बाहर भी सरदार जी सीटियाँ लगवा रहे हैं, देखो ऐसे लगती हैं सीटियाँ। पंजाबी हैं अब उनकी करिए खान के शौकीन है तो खाना तो पैना ही है ना, तो इसलिए देखो बाकी वधिया सब कुछ मेनू तो वधिया तुसी देखो। ये देखो जी चावल, देखो कला कला चावल बना है, लोग देखते हैं कईयों की मैंने वीडियो देखी है कला कला चावल ही बनता कईयों का यूट्यूबरों का। ये देखो जी कला कला चावल है, देखो कितना बड़ा बड़ा चावल बना। बाकी हम इसको सर्व करते हैं और खा के देखते हैं और आपको भी बताते हैं कैसा है कैसा नहीं है। आज हमने देखा जो हमारी पहली किचन है, हमारी पहली किचन में हमने ये खाना बनाया और कला कला चावल बना है और आपको हमने दिखाया भी है। और आज हम कला कला चावल के साथ हम अगर खुद रिव्यू देंगे तो कुछ भी दे सकते हैं, तो इसके पास हमारे पास ऑडियंस भी है, सबसे बड़ी ऑडियंस है ये जनता जनार्दन। ये देखो ये हमारी ऑडियंस है, ये भी हमारा बच्चा है, ऑडियंस है, ये हमको बताएगा खाना टेस्टी बनाए कैसा बनाए। बच्चों एकदम सही रिव्यू देना। देखो भाई मैंने एक चश्मा पहना है, कोई आँख नहीं मारी बच्चे को, ठीक है, कोई मारी आँख इसकी तरफ दिखाओ बच्चे को, आँख मारी तुमको कोई आँख मारी नहीं ना। खाना अच्छा हो तो बताना अच्छा है, अगर बेकार हो जीर खोल के बताना भैया बेकार है, भैया मारेगा नहीं, ठीक है, बाद में कैमरा बंद होने के बाद, ठीक है। ये देखो अब हम दोनों छोटे भाइयों को दे रहे हैं, खा के देखो राम राम से खा के देखना और बताना कैसी है। नमक तेज है, सही है, बढ़िया 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 भाई, खरीदा नहीं है बच्चा मैंने भाई, ठीक है। चलो आप सब मिलके खाते हैं हम खाना जो हमने बनाया है। अब देखो और बैठ कर खाते हैं। ओके अब इसको मैं पहले ढक देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम आराम से बैठ के खाना खाते हैं और बैठ के खाते हैं। बहुत बढ़िया अमेजिंग, बाहर भी खाना घर जैसा है, एकदम एक नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमने ये देखो हमने ये खाना बनाया था, अब हमने लोकेशन चेंज करी है, गैस करो ये है वो लोकेशन, हम कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये देखो व्हाट अ ब्यूटी, इतनी हाइट में हम खाना खा रहे हैं, पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है देखो, और इस ग्रीनरी वादियों में खाना बनाना और खाना एक नया एक्सपीरियंस है। क्या मेरा बैकग्राउंड कितना व्यू अच्छा आ रहा है, देखो कितना व्यू अच्छा है, देखो कितना बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। आज की वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अलग वीडियो पे, आई होप आपको सबको बढ़िया लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें, तब तक चलते पापा सी।